अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेश हुए हैं आपकी खिदमत में फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे थोड़ा सा इटली में कैंप की जो लाइफ है वो हम कैसे गुजारते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या डेली रूटीन्स हैं, और साथ आपको आगे पीछे का जो व्यू है वो दिखाते हैं। साथ आज संडे है तो बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा जो भी हम करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पे भी जाएंगे। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे आप लोग देखते जाएं। तो इसी के साथ ही चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। हमेशा की तरह ये बंदा आज भी गोश्त काट रहा है, हमेशा की तरह। ये पहली दफ़ा नहीं, आज इसने कैंप पर आए 6 किलो गोश्त लिखवा दिया उनको। है तीन लड़के इधर होते हैं, वो लास्ट वाला रूम है ये वाला, इसमें दो हैं, ये वाला है इसमें भी दो हैं, उसके साथ वॉशरूम, ये किचन। अच्छा घर है, इसके साथ दो घर हैं ये जुड़े हुए, मेरा दूसरा घर है, लेकिन हम एक ही जगह पे रहते हैं। हमारी गाड़ियाँ चार्जिंग पे, ये चार्ज हो रही है और वो फुल चार्ज है। ये फरारियाँ हैं दो, इन पे जाएंगे। और ये सामने का व्यू शानदार। अच्छा, इस टाइम टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं कारबनेरी का ऑफिस, ऑफिस नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता किस जगह पे है, उसको ढूंढेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। एक काम है बस, ऑफिस का नहीं पता कि किधर है, तो उसको देखते हैं और फिर वापस चले जाएंगे। ये मिल गया हमें ऑफिस, वो ऊपर है, अभी हम वापस जा रहे हैं, फिर आएंगे जब काम होगा। व्यू चेक करें, लोगों ने घर बहुत प्यारे बनाए हुए। हमारा होगा पता नहीं, लेकिन कब होगा, अल्लाह पाक हमें भी दें एक अच्छा सा घर यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि हमारी इस हंसी खुशी वाली लाइफ में थोड़े से डिफ़िकल्ट पार्ट भी होते हैं, जो कि कैंप के हवाले से, पेपर्स के हवाले से और काम के हवाले से होते हैं। यहाँ पे काम ढूँढना और पेपर्स बनवाना, कभी पुलिस स्टेशन, कभी ऑफिस, कभी कमूने, वो एक अलग पार्ट है। ये हमारी समझ लें कि दो ज़िंदगियां हैं, एक ये है जो हम थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं, और एक वो है जो सारा हफ्ता काम करते हैं, वो बंदे को टाइम ही नहीं मिलता। तो ये दो तरह की लाइफ है यहाँ पे। टाइम लगता है लेकिन बंदा हर चीज़ मैनेज कर लेता है आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे भाई इटली में या किसी भी मुल्क में, वो सब्र से काम लें और इंशाल्लाह कामयाबी होगी एक दिन ज़रूर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।